हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। आपको लास्ट वीडियो में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसमें बेटा मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल, मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज और किस किस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमारा जो रेंज है वो इक्वल होती है, इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने इक्वेशन भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन कौन सा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी। आप लोग यदि लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिएगा, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा आपको कॉन्सेप्ट दिया है, जो प्रोजेक्टाइल आपको बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। आज हम देखते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। ज़रा देखो, सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक क्वेश्चन, विच वन इज द 2D मोशन। एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया था, हमको ईयर नहीं याद है बेटा कौन सा है। कहता था विच वन इज द 2D मोशन। हिंदी में यदि बात करेंगे, निम्न में से कौन सा द्विविमीय गति है। लिख सकते हो हिंदी में कि निम्न में से कौन सा द्विविमीय गति है। पहला ऑप्शन आपको दिया है लीनियर मोशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समरेखीय गति या रेखीय गति। दूसरे में दिया है इसने ऑप्शन में कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल का मतलब आप समझ गए होंगे प्रक्षेप गति। तीसरे में बेटा दिया है सर्कुलर मोशन, और डी में दिया है बी एंड सी बोथ। ध्यान से देखना क्वेश्चन, मैंने कहा निम्न में से कौन सी द्विविमीय गति है। तो हमको पता है सर, हमारी जो सर्कुलर मोशन होती है ये भी 2D है, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी 2D है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी, बी एंड सी। अब देखो, यदि आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन हो कि सर 2D क्यों है, तो आप, मैंने कल आपको बताया भी था कि जब भी प्रोजेक्शन होगा तो प्रोजेक्शन पे हमेशा हम किसी एंगल पर किसी बॉडी को इस तरीके से फेंकेंगे किसी वेलोसिटी से, और कुछ पॉइंट बाद या कुछ टाइम के बाद यदि देखें ये बॉडी यहाँ पहुँच गई, तो देखते हैं इसकी जब यहाँ ओरिजिन से लोकेशन लेंगे तो हम कहेंगे सर इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ दो तो इसके कुछ ना कुछ, मान लीजिए ये कुछ ना कुछ एक्स में भी चला होगा और वाई में भी चला होगा, तो इस मान लीजिए पी पॉइंट के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक्स कामा वाई। तो ये बॉडी दोनों में चली है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है, 2D। यदि सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मान लीजिए आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो जब सर्कुलर मोशन करेंगे कुछ टाइम बाद फिर वही कंडीशन, आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, कहीं भी पहुँचेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए सी पॉइंट पर, तो आप कहोगे सर ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन ये थी और यहाँ से हम सी पे पहुँचे हैं, तो सी के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इस में ये कुछ ना कुछ यहाँ से एक्स चला होगा और ये वाई चला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब सर्कुलर मोशन भी हमारी कैसी है, द्विविमीय गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रक्षेप गति में, हिंदी में इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यदि प्रक्षेप गति में 30 अंश पर हमारी रेंज जो है वो है मान लीजिए 90 मीटर, प्रक्षेप गति कोई पिंड कर रहा है और 30 अंश से उसने किया था, 30 अंश पर मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 अंश पर उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, देन विच एंगल पर, या हिंदी में लिख दें कितने एंगल पर इसका जो रेंज है 90 मीटर अगेन होगा या दोबारा होगा। तो हम समझ गए कि सर इसमें ऑप्शन आपको दिए रहेंगे कि 60 डिग्री एंगल पर होगा दूसरी मोशन, 90 डिग्री पर होगा, सी में मान लीजिए दिया है आपका 30 डिग्री,
और डी में आपको दिया है 0 डिग्री। तो हम समझ गए, देखो जरा ध्यान से, हमने आपको एक बताया था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब 30 अंश पे मोशन कराया गया, मतलब ये मोशन है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपको ये 30 अंश पे फेंका गया है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 90 मीटर। अब बोल रहा है और किस एंगल पर फेंकें कि ये 90 मीटर ही रेंज तय करे और वेलोसिटी कैसी रहे, सेम, ध्यान रखना, उसी वेलोसिटी पर अनेदर एंगल पर यदि हम बॉडी को फेंकते हैं तो 90 मीटर अगेन कब आएगा, तो हम कहेंगे सर ये तो आपने बताया था कि कोज पूरक एंगल पर रेंज सदैव बराबर होती है, तो 30 अंश पर इस यू वेलोसिटी से इसकी रेंज यदि 90 मीटर है तो 60 अंश पर भी इसकी यू वेलोसिटी से रेंज कितनी होगी, 90 मीटर, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं सीधे 90 से 30 क्या करते हैं माइनस, और यहाँ पे आंसर टिक कर देते हैं, तो इसका आंसर कौन सही होगा, सी। इस तरीके से जब क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान ये रखना है वेलोसिटी वही होनी चाहिए, रेंज वही होगी, लेकिन एंगल केवल चेंज होगा, और एंगल कैसे चेंज होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं हिंदी में, कोटिपूरक कोण, जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। अब देखो इसी तरीके से हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक करवाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए हम डबल ए की बात करते हैं, डबल ए मींस नेवी में, जो डबल ए में क्वेश्चन एक बार आया था, देखो जरा मैं क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड करवा रहा हूं, कह रहा था इस तरीके से एक कोई डायग्राम दिया गया था और बोल रहा था कि इस बॉडी को जब यहाँ से फेंका जाता है तो यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, ठीक, और कहता है ये यहाँ से 45 अंश पर फेंकी जाती है या 30 डिग्री वही कर लीजिए, सेम वैल्यू कर दे रहा हूँ, ये डबल ए का क्वेश्चन है, कहता था 30 अंश पर फेंका जाता है और बोल रहा है यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, इसकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है बिंदु ओ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, इसने दे दिया है कि इस बिंदु ओ पर इसकी गतिज ऊर्जा के है, तो कह रहा है गति के अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई मान लीजिए ये आपका कोई सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फिर समझ लो, कह रहा है यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है और इससे 30 डिग्री पर फेंक दिया जाता है, जिस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है के, बोल रहा है सी पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा इस तरीके से के बाई टू हो जाएगी, बी में दिया रहेगा आपको 2k/3 हो जाएगी, सी में दिया रहेगा आपको 3k/4 हो जाएगी, और डी में दिया रहेगा आपका नन ऑफ डीज, और के जो है ये आपको के नॉट इस तरीके से दिया रहेगा। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। यदि आपने लास्ट मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने एक चीज़ बताई होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो ये वाला यदि कंपोनेंट देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा यू कॉस 30, यहाँ पे जाओगे तब भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू कॉस 30, ये वाला एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहती है कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। तो हम देखें जरा ए पे, ओ पे यदि काइनेटिक एनर्जी निकालते तो आप क्या बोलते सर, 1/2 हम करते और एम इंटू यू स्क्वायर, ठीक, और इसकी वैल्यू हमारी के नॉट बनी रहने दो इक्वेशन नंबर 1 डाल के, सी पे आ जाओ जरा, देखो डायरेक्ट करना है आपको, के सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 एम। अब ध्यान बस आपको ये देना है कि वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जब बॉडी यहाँ पर पहुँच चुकी होगी तो इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, केवल ये वाली, और ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर इसके पास ध्यान रखना दोनों वेलोसिटी थी यू साइन 30 यू कॉस 30, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जब कोई पिंड प्रक्षेप गति करता है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका कुल वेग कितना होता है, 0 होता है, मैक्सिमम होता है, इस तरीके से ऑप्शन दिए रहेंगे, मैं भी क्वेश्चन एक बता रहा हूँ उसी का।
तो यहाँ पर केवल कंपोनेंट बेटा हॉरिजॉन्टल होता है और बस यू की जगह आप यू कॉस 30 रख देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी यहीं से। ये आपकी हो जाएगी यू कॉस 30 और इसका कर दीजिएगा होल स्क्वायर, यहाँ से आपका आंसर 1/2 ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3 का मतलब वर्क करोगे तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। अब देखो 1/2 एम यू स्क्वायर किसके बराबर है, के नॉट के, और यही हमारी क्या है यहाँ से के सी, तो कह देंगे सर ये तो आपका हो जाएगा के नॉट और इंटू में क्या हो जाएगा 3/4। इसका मतलब सी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये वाला आंसर सही होगा, सी वाला। अब देखो जरा दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है एक पिंड प्रक्षेप गति करता हुआ, प्रक्षेप गति करता हुआ भूतल पर पहुंच जाता है, ठीक। आपको ये भी दे दिया गया है, इसने डायग्राम दे दिया, बोला ए है ये बी बिंदु है और ये कह रहा है पी बिंदु है। तो ये आपसे कह रहा है बिंदु पी पर, बिंदु पी पर कुल वेग टोटल वेलोसिटी कितनी होगी। ए ऑप्शन में बता दिया रहेगा मिनिमम होगी, ठीक। बी पर इस तरीके से दिया रहेगा जीरो होगी, सी में दिया रहेगा मैक्सिमम होगी और डी में इसमें दिया रहेगा नन ऑफ दीज। ध्यान आपको ये देना है कि जब पी पॉइंट पर बॉडी पहुंचेगी तो इसकी जीरो वेलोसिटी तो हो नहीं सकती है। ज़्यादातर बच्चे इसको जीरो मारते हैं क्योंकि जानते हैं कि नीचे से बॉडी जब ऊपर फेंकी जाती है तो तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो ध्यान रखना वो 1D मोशन होती है, 1D मोशन होती है, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और रिटर्न होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ मोशन कैसी है 2D, क्योंकि यदि बॉडी यहाँ से फेंकी गई थी, सोचो जरा यदि यहाँ पर सारा वेग इसका जीरो हो जाता तो ये बॉडी यहीं ना गिर जाती। और इसने क्या किया, अभी इतनी डिस्टेंस और कवर किया है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब इसके पास एक न कोई यहाँ कंपोनेंट था और वही कंपोनेंट कौन सा था, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग क्या कहते थे यू कॉस थीटा। तो कह देंगे सर यू साइन थीटा इसका कितना हो जाएगा जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो एक ही बचेगा केवल हॉरिजॉन्टल। तो कह देंगे सर इसका मतलब ये हुआ इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम हो नहीं सकती है, यहाँ पे मिनिमम होगी क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कैसा हो जाता है जीरो। इसी तरीके से देखो बेटा दूसरा एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं। कह रहा है दिए गए डायग्राम से गति का प्रारंभिक, इस तरीके से आपको दिया रहेगा गति का प्रारंभिक वेग u है तथा अधिकतम ऊंचाई पर कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जो लोग इंग्लिश मीडियम के, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी कर रही है, वो यहाँ से जब चली है तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी u, ठीक। और पूछ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल भी इसमें आपको दे दिया जाएगा कि 45 डिग्री पे जा रही है और आपसे बोल रहा है यहाँ पर इसका जो वेग है, इसका इसने दे दिया है कि जो आपके क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ जो वेग है वो कितना है u/2, यहाँ पर वेग प्रारंभिक वेग का आधा है। बहुत बुकों में ये बेटा थ्योरी में लिखा रहता है कि दिए गए डायग्राम से गति का प्रारंभिक वेग
यू से कोई प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी करती है और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग आधा हो जाता है। तो कह रहा है इसी अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो जरा, ए ऑप्शन में आपको मान लीजिए दिया है रूट थ्री बाई टू यू स्क्वायर अपॉन जी, बी में दिया रहेगा आपको थ्री बाई फोर यू स्क्वायर अपॉन जी, सी में आपको दिया रहेगा टू बाई थ्री यू स्क्वायर और डी में दिया रहेगा नन ऑफ दीज। इस तरीके के बेटा ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, अंडर रूट थ्री बाई टू यू स्क्वायर बाई जी, थ्री बाई फोर यू स्क्वायर बाई जी, टू बाई थ्री यू स्क्वायर और नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको ब्लॉक कहाँ पे निकालनी है गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम ऊंचाई पर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा गतिज ऊर्जा का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, वन बाई टू एम। अब बस वेलोसिटी पे ध्यान देना, मैंने अभी क्वेश्चन एक कराया भी है इधर साइड, वेलोसिटी पे ध्यान देना है कि यहाँ पे वेलोसिटी है कितनी। ये कह रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यू बाई टू। तो अब यू बाई टू दे दी है तो हम यू बाई टू का ही इस्तेमाल करेंगे, किसी एंगल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या कर देना आप, सिंपल सा क्या कर देना यू बाई टू, और यहाँ से क्या कर देना इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे एंगल आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो हम समझ गए कि सर इसकी वेलोसिटी देखो अब क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी एम यू स्क्वायर बाई फोर। इसका मतलब ये हुआ सर इसका ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो हमारा एम नहीं है। ठीक, यदि यू के फंक्शन में लिखोगे तो हमें यू यहाँ पे लिखा रहेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और जरा देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं इसके कुछ, क्वेश्चन एक आपका नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पांच होगा शायद, क्वेश्चन नंबर पांच में दिया गया है यदि प्रक्षेप गति में, या हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिएगा, यदि प्रोजेक्टाइल मोशन में अधिकतम ऊंचाई का मान परास के बराबर हो जाए, तो टेन थीटा का मान बताओ। देखो कह रहा है कोई बॉडी जब मोशन कर रही है तो ये अधिकतम ऊंचाई का इसका जो मान है, इसको ध्यान देना, अधिकतम ऊंचाई का मान किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द रेंज, देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट शुड बी। तो यहाँ देखेंगे पहला यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया रहेगा इस तरीके से, टेन थीटा का मान यहाँ दिया रहेगा फोर होगा, दूसरे में दिया रहेगा टू होगा, तीसरे में दिया रहेगा थ्री होगा और डी में दिया रहेगा नन ऑफ दीज होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई जरा देखते हैं कि सर प्रक्षेप गति के लिए आपने बताया था कि h का जो फार्मूला होता है वो क्या होता था। देखो जरा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r का आपने फार्मूला बताया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, h इक्वल टू किसके है, r के, डायरेक्टली इक्वल कर दो। हम समझ गए सर यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो भाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर जी, यू स्क्वायर जी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान ये देना यहाँ पे बेटा ये साइन 2 थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसा लिखा रहने देंगे। साइन 2 a का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या होता था, 2 साइन a इंटू में क्या होता था कॉस a, तो थीटा है तो थीटा कर देंगे, इससे स्क्वायर से एक साइन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखो जरा इसको जब लाएंगे
अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर ये हमारा, इसको जरा ध्यान से देखना, ये आपका 2 और बचा रहेगा बेटा, क्योंकि 2 भी कहीं नहीं कैंसिल हुआ है, ये साइन 2 थीटा से 2 आया है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये 4 हमारा उधर चला जाएगा, कॉस को इधर ले आओ, कहानी खत्म हो गई हमारी, कि सर ये हो गया साइन थीटा और उधर से लाओगे ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि सर टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 4। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मैक्सिमम बुकों में क्वेश्चन दिया गया है कि जब मैक्सिमम ऊंचाई का मान मैक्सिमम रेंज के बराबर हो जाए तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट, देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट विल बी 4। या बहुत जगह कभी ये दिया रहता है कि उसके एंगल का मान बताओ, तो सिंपल सा बेटा लिख देना टेन इनवर्स 4। यदि एंगल का मान पूछता है, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे लगभग मैक्सिमम बुकों में या मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखो, देखते हैं इसका हम प्रोजेक्टाइल का। इसमें बहुत एक थ्योरी क्वेश्चन है, कहता है कि जब प्रक्षेप गति होती है, देखो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, थ्योरी इसमें काफ़ी वो लिखने में होता है, बोल रहा है कि थीटा पे फेंका जाता है, यू से फेंका जाता है, कह रहा है ये हमारा क्या है आर, ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी एच। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया जाए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जो भी आपने यहाँ फार्मूले पढ़े हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g पढ़ा हो चाहे एच का, या आर का पढ़ा हो, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी पढ़ा हो, या टी इज इक्वल टू आपने पढ़ा हो 2u साइन थीटा अपॉन जी, इस तरीके से जो भी आपका है, सॉरी यहाँ पे आपका आई थिंक ये रहेगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, तो ये आपका हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो जाएगा। यदि भूल जाना तो सिंपल सा देखो, यदि भूल जाना टी को तो वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से सॉल्व कर लेना तुरंत, ये वेलोसिटी कितनी होती है 0, ये वाली क्या होती है मेरी यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी, इसका मतलब यू साइन थीटा अपॉन जी ऊपर जाने में और यू साइन थीटा अपॉन जी नीचे जाने में, तो आंसर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी देखो 2u साइन थीटा अपॉन जी, यदि भूल जाना तो। ये जितने भी फार्मूले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, ये तभी ट्रू हैं जब एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू शून्य कर दी जाए। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ये फार्मूले कब राइट हैं या कब फार्मूले ये एप्लीकेबल हैं, तो कह देंगे सर ये फार्मूले तभी एप्लीकेबल हैं जब एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो 0। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई पिंड ओ से ए तक फिर बी तक गति करता है, कहता है यदि एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया जाए, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया जाए तो ये बोलेगा किसका मान बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन समझ लो, दिए गए डायग्राम में कोई बॉडी ओ से ए और फिर ए से बी तक जाती है, यदि एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया जाए, ठीक, मतलब ये बोल दे रहे, चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे रहे थोड़ा, एयर रेजिस्टेंस यदि मेरा इंक्रीज हो जाए या बोलेगा बढ़ जाए, एयर रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाए या उसको कंसीडर कर लिया जाए, दोनों आंसर एक ही होंगे, तो कहेगा कौन सा मान बढ़ेगा, टी बढ़ेगा, एच बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, इसमें दिया रहेगा नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई फार्मूला मत लगाना, हम समझ गए सर बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि बॉडी इस तरीके से मेरी फेंकी जाएगी तो यदि प्रतिरोध बढ़ेगा, एयर रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट बढ़ेगी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये प्रतिरोध है, जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो यदि एक मोटा लड़का है और एक पतला लड़का है, तो मोटा लड़का जब साइकिल चलाएगा तो उसके में प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा उसका, जब ज़्यादा एरिया होगा तो उसको रोकने में हवा ज़्यादा कारगर होगी। तो जब बॉडी इधर से इधर फेंकोगे और मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस का मतलब हवा उल्टा चल रही होगी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में एच का मान तो पहली बात कम हो जाएगा क्योंकि बॉडी भी इतना ऊपर जाएगी नहीं, हो सकता वो ऐसे होके ही आ जाए, तो बढ़ने की तो कोई बात नहीं है, एच बढ़ नहीं सकता है। ये भी कन्फर्म है कि सर आर भी कम हो सकता है, हो सकता है बॉडी यहाँ से आने के बाद यहीं गिर जाए। बढ़ेगा कौन, केवल टी, मतलब बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया गया, ठीक, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करने पर
टी हमारा क्या हो जाएगा, यदि आपको नहीं यहाँ पे पूरा ऑप्शन लिख दूँ मैं, टी बढ़ जाएगा, एच बढ़ जाएगा, ठीक, आर बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे जब एयर रेजिस्टेंस को बेटा कंसीडर कर लिया जाएगा तो आवर्तकाल का मान सदैव बढ़ जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध उसको वहाँ तक पहुँचने में समय लगा देगा। एक क्वेश्चन इसमें और देखो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें, कहता है कि जब प्रक्षेप गति कोई पिंड कर रहा है, एक को 45 अंश पर फेंका गया है, ठीक, और इसके बाद एक दूसरा पिंड है उसको मान लीजिए यहाँ से 60 अंश पर फेंका गया है, ओ से ए तक के लिए, ए भी यू वेलोसिटी से फेंका गया है, ए भी यू वेलोसिटी से फेंका गया है, मान लीजिए ये यू वन है और इस तरीके से ये मान लीजिए यू टू है, ठीक, और बोलेगा आपसे कि ये बताइए, इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, यदि एंगल चेंज कर दिया है तो हो सकता है आपसे ये पूछे कि आर दोनों के कैसे हैं बराबर, ठीक, तो ये 45 है तो इस एंगल को आप 30 कर लीजिएगा और इस एंगल को 60 कर दीजिएगा, ठीक, बोलेगा ये मान लीजिए आपका आर है और ए भी आपका क्या है, आर है, और ये कहेगा यू वन अनुपात यू टू का मान बताओ, पहले ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 2:3 हो जाएगा, बी में आपको इस तरीके से दिया रहेगा कि ये आपका कितना हो जाएगा 3:2 दिया रहेगा, सी में दिया रहेगा 3:1 दिया रहेगा, और डी में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो जरा आप करना क्या, सिंपल सा आर बराबर है तो आर बराबर करने के लिए क्या कर देना, R1 = R2, इनके अनुसार ये बोले हैं कि R1 और R2 दोनों किसने हैं, R हैं, U1 और U2 निकालना है, R का फार्मूला इधर लिखा हुआ है वहाँ से निकाल लो। क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे यू स्क्वायर करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन देखना, ये 2θ होता है तो 2θ का मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 अपॉन में हमारा G है तो G कर देना, U1 स्क्वायर करना चूँकि R1 के लिए U1 वेलोसिटी है, इधर हमारी देखो बेटा क्या हो जाएगी U2 स्क्वायर, और इधर से यदि बात करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन 60 का करोगे 2×120 हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, जी, जी से जी खत्म हो जाएगा, वैल्यू निकाल लो हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा हो गया U1 स्क्वायर और इधर देखो क्या हो गया, ये U2 स्क्वायर, उधर लिखोगे साइन 120 का मान, तो जिन लोगों को नहीं पता है तो 90+30 कर देना तो cos 30 हो जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू हमारी देखो कितनी हो जाएगी, √3/2, नीचे साइन 60 जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो U1 अनुपात U2 का जो मान आ जाएगा इधर से ये क्या आ जाएगा, U1 अनुपात U2 क्या होगा, 1:1, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, उसने कहा रेंज बराबर है तो आप रेंज बराबर कर दो, वेलोसिटी डिफरेंट है वेलोसिटी डिफरेंट कर दो, U1 अनुपात U2 का मान निकाल लो, जो भी हमारा होगा वही आंसर होगा। इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और बाकी हमको बताइएगा, यदि प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कमेंट करके वहाँ पे और भी क्वेश्चंस का, यदि आंसर आपको नहीं आता है तो वहाँ क्वेश्चन डालिएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।